नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल में सरजदी फैशन स्टूडियो में। और आज मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ही खूबसूरत सी ब्रा, उसकी बहुत ही इजी तरीके से कटिंग और सिलाई का स्टेप्स बता रही हूँ। जो कटिंग है आप उसको बिल्कुल पूरा देखिएगा और मैं आपको फाइनली बताती हूँ आप इसे कभी आसानी से बना सकेंगे। तो कटिंग थोड़ा सा जानने के लिए बहुत जरूरी है, सिलाई में कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है। चलिए कटिंग और सिलाई शुरू करते हैं। पहले बताऊंगी आपको कप्स कटिंग करना। तो इस पेपर को हम साइड में रख देते हैं। ये मैंने लिया है 9.5 स्क्वायर का। तो यहाँ पे मैं आपको इसको चेक करके भी बता देती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, इसकी लेंथ है 9.5 और इसकी चौड़ाई है 9 इंच। अब 9.5 स्क्वायर का हमने ले लिया है। अब इसका ऊपर का पार्ट रखेंगे हम 5 इंच का और नीचे का रखेंगे 4.5 इंच का। तो ये हमने इस तरह से पॉइंट लगा दिया है और इस पॉइंट को हम इस तरह से इसे फोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, अब इस पे हमें ऊपर का पार्ट्स बनाना है, इस पे हमें नीचे का पार्ट्स बनाना है। अब ये है पुरानी ब्रा, पुरानी कप्स। अब आप अपनी पुरानी ब्रा से नाप लेकर अगर आप बनाएंगे तो यहाँ से देखिए आपके कप का ऊपर का पार्ट्स कितना है, आप देख सकते हैं ये है 5 इंच का। ये यहाँ पे स्टिचिंग आ गई ना। और नीचे का पार्ट्स और देख लेते हैं, ये है तैयार 3.5 इंच का, तो 8.5 इंच हो गया। अब यहाँ पे हमें इसकी चौड़ाई और मैं आपको बता देती हूँ कि ये तैयार इसकी जो चौड़ाई कितनी रहती है, ये रहती है 8 इंच की। जो कप्स की जो चौड़ाई है वो तैयार रहती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 इंच की, यहाँ तक इसकी चौड़ाई आएगी बीच सेंटर तक। तो बस इतना ही आपको मेजरमेंट लेना है, इसके बाद कप आपको अपने अनुसार बनाना है। ये मैंने मिडिल सेंटर की लाइन खींच ली है और फिर इस तरह से इसको हाफ करके और फिर ये जो सेंटर लाइन है इस पे भी हम ऐसे लाइन खींच लेते हैं। इसे हमें बनाने में ये हो गया हमारा सेंटर पॉइंट। अब आप पुरानी हमारी जो पुरानी ब्रा उसके नाप से अगर हम बना रहे हैं तो अब हमें क्या करना होगा, देखिए इसको हम यहाँ पे रखेंगे सेंटर पे और इसको हम इस तरह से करेंगे। एकदम आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ, फिर आपको इसको ऐसे करना है। ये होगी आपकी नेक लाइन, एकदम सिंपल और सरल तरीका। इसके बाद आपको ये देखिए ये यहाँ हो गया, ये हो गया, ये हमारा ऊपर का ड्रो हो गया है। इसको मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ। अब आपको थोड़ा सा नीचे एक पॉइंट लगाना है इस तरफ और यहाँ पे दोनों इस तरफ में मैंने लगाया 1/4 इंच और इस तरफ में मैंने लगाया 1/2 इंच। अब इसको आपको ऐसे मिलाना है और इसको आपको ऐसे मिला देना है इस सेंटर पॉइंट में। अब ये जो टोटल गोलाई है इसको आपको रखना है 9 इंच, यानी 36 की बना रहे हो। तो यहाँ से हो गया ये 4.5 का पॉइंट और यहाँ से भी हो गया ये 4.5 का पॉइंट, ये हो गया। और यहाँ से आप इसको ऐसे सीधा कर दें, ये आपका हो गया ऊपर का पार्ट्स तैयार हो गया है। अब नीचे के पार्ट्स के लिए देखिए लेते हैं, नीचे के पार्ट्स में हम जैसे लेते हैं उसी हिसाब से लेना है। तो यहाँ से ये जो सेंटर लाइन की पॉइंट है यहाँ से आपको 3 इंच नीचे एक पॉइंट लगाना है और इस तरफ में भी आपको 3 इंच नीचे एक पॉइंट लगाना है और इसको आपको ऐसे मिलाना है और इसको भी आपको ऐसे मिला देना गोलाई में। इसके बाद में आपको पूरा इसको नापना है, जितना ये वाली लाइन है ना उतना ही ये रहना चाहिए। तो जैसे देखिए ये सारी गोलाई टोटल है 9 इंच की, ये जो टोटल है इंची टेप से यहाँ से आप देखिए इसकी जो टोटल गोलाई है वो है 9 इंच की।
9 इंच की, तो हम इसकी गोलाई भी 9 रखेंगे, तो हम 4.5 यहाँ से इसको लगा देते हैं पॉइंट, और यहाँ से भी हम 4.5 पे एक पॉइंट लगा देते हैं, और फिर आपको इसको ऐसे नीचे ऐसे गोल करना है। ये हो गया आपका नीचे का पार्ट, ये हो गया आपका ब्रा का ऊपर का पार्ट, दोनों को मैं कट कर लेती हूँ। और यहाँ पे भी हम इसमें इस तरह से निशान लगा देते हैं। ये दोनों पार्ट्स हमारे जॉइंट होने वाले तैयार हो गए हैं, ऊपर नीचे के पार्ट्स। अब देखिए मैंने आपको नीचे की पट्टी भी बताती हूँ कैसे उसको कटिंग करना है। नीचे की पट्टी कटिंग करने के लिए देखिए इस तरह से हम ये जो फोल्डेड साइड है, और यहाँ से आप इस तरफ से देख सकते हो ये ओपन है। कागज पे आपको पहले कटिंग करना है, उसके बाद में आपको, अब ये ऊपर जॉइंट होने वाला है, ये नीचे की साइड है। अब आपको नीचे से इसको रबर बैंड, इसके अंदर हम यहाँ पे रबर बैंड लगाएंगे, तो उस हिसाब से आपको एक्स्ट्रा ले लेना है। तो यहाँ से आपको देखना है इसको, आपको पट्टी को कितना लेना है, तो इस पट्टी को आपको लेना है 1.5 इंच का। तो अभी आप देख सकते हैं ये 1.5 इंच की है, तो अब हम इसको यहाँ से ऐसे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ से ऐसे ये और ये, यहाँ से बस ये आपकी नीचे की पट्टी हो गई। नीचे आपकी वो, अभी आप देख सकते हो मैंने ये पट्टी नीचे की कटिंग कर ली है, और ये पट्टी देखिए इस तरह से जॉइंटेड होती है, और ये जो नीचे की फोल्डिंग है यहाँ पे हम इसके अंदर रबड़ डाल देंगे, इसको ऐसे फोल्ड करके पट्टी को, और आपको रबड़ डाल लेना है, ठीक है। तो ये आपकी इस तरह से होगी, इस तरह से आपके कप, सॉरी ये इस तरह नहीं, ये ऐसे है। और सबसे पहले ये पैटर्न कटिंग करके कपड़े पे, फिर आपको एक सिलाई लगानी है। कैसे लगानी है देखिए, इसको इस पे रखेंगे, और इसका इस वाला हिस्सा इस तरफ और इस वाला हिस्सा इस तरफ, ये एक सिलाई लगा देंगे। मैंने दोनों पे लेस अटैच कर दी है, जो एक्स्ट्रा लेस है उसको हम कट करके अलग कर देते हैं, ठीक है। अब ये वाला पार्ट्स हम यहाँ पे अटैच करेंगे, तो पहले इनको यहाँ से ऐसे हल्का सा जॉइंट कर लेते हैं, और उसके बाद ये वाला जो पार्ट्स है इसको हम यहाँ पे नीचे ऐसे अटैच करेंगे, एक सिलाई लगा देंगे इस पार्ट्स को इस तरफ, और इस पार्ट्स को हम इस तरफ ऐसे जॉइंट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने एक पार्ट्स को नीचे स्टिच कर लिया है। यहाँ से आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि देखिए ये जो पार्ट्स इस तरह से होगा, यहाँ पे जो जॉइंट करते हैं काफ़ी की दिक्कत होती है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इस तरह से थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ऐसे इसको स्टिच नहीं किया था, हल्का सा, बाकी इसको ऐसे सिलाई लगा दी थी। अब इसको जो दूसरा पार्ट्स है इसको यहाँ पर हम इस तरह से रखेंगे, ये जो देखिए ये इस तरह से है ना, इसको ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर हल्का सा इसको ऐसे ऊपर रख देंगे, हल्का सा, और यहाँ से हम इसकी ये जो है वो सिलाई इस तरफ कर देंगे। तो इस तरफ में इसको जॉइंट करेंगे, इस तरफ में इसको जॉइंट कर दिया है। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने इनको इस तरह से जॉइंट कर लिया, नीचे वाली पट्टी को, ये वाली सिलाई है, और अब हम इसके ऊपर वाली, ये जो पट्टी है ना हमारी, इसके ऊपर वाली जैसे हमने ये वाली सिलाई निकाली, इस पट्टी के ऊपर ऊपर भी यहाँ से यहाँ तक ऐसे एक सिलाई निकाल लेते हैं, ताकि ये जो लुक है वो बीच वाला वो बहुत ही अच्छा दिखे। अब आप इस तरह से खींचे, देखिए ये कितना अच्छा इसका जो लुक आता है। तो मैंने इसके जो ऊपर वाली सिलाई है वो भी यहाँ पे निकाल दी है, आप देख सकते हैं इसके ऊपर ऊपर मैंने ये वाली सिलाई भी दोनों यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक जो निकाल दिया, जो मैंने अटैच किया था इलास्टिक, ठीक है। अब इसकी जो ये साइड वाली पट्टी है वो हम तैयार करेंगे। तो ये देखिए ये मैंने पेपर लिया है, और इस पेपर में ये होगी, देखिए ये हम ले रहे हैं 9 इंच की, ये हमारी 9 इंच की पट्टी होगी, और इस तरफ से लेंगे हम इसको। देखिए ये जो पट्टी है वो कितनी है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो ये है 3.5 इंच की, ये 3.5 इंच की है। तो हमें इस तरफ की जो चौड़ाई है यहाँ से रखनी होगी 3.5 इंच की, तो आप सिलाई करके इसको पूरा कर लेंगे। यहाँ से हम रख रहे हैं
डेढ़ इंच की या फिर दो इंच की, और फिर आप इसको इस तरह से ऐसे तिरछा कर सकते हैं। इस तरह से आप एक पट्टी तैयार करें, नीचे से पट्टी को इस तरफ से फोल्ड करना है, इस तरफ से फोल्ड करना है, इस तरफ से फोल्ड करना है। पहले इसको कट कर लेते हैं। एक हुक और आई की पट्टी है, इसको आपको इस तरफ से ऐसे फोल्ड करना है। इस पट्टी को नीचे से भी फोल्ड करना है ऐसे, ठीक है, और इस तरफ से भी आपको ऐसे फोल्ड करना है। यहाँ पे आप हुक और आई वाली जो बटन्स होते हैं वो भी लगा सकते हैं, और आप इसको इसके अंदर जो है ऐसे ही हुक और आई लगा सकते हैं। वो बटन आती है रेडीमेड वाली, वो पट्टी भी लगा सकते हैं। इसके बाद में इस पट्टी को हम यहाँ पे ऐसे स्टिच करेंगे, देखिए यहाँ पे, और ये हमारी बैक साइड की पट्टी इस तरह से यहाँ पे अटैच हो जाएगी। तो ये मैंने पट्टी जो है वो तैयार की हुई है, देख सकते हैं। नीचे से भी मैंने इसको फोल्ड कर लिया है, इस तरफ से भी मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। तो ये है इस तरह से ऐसी सीधी, सॉरी ये है इस तरफ वाली, नीचे से जो सीधी साइड है और ऊपर से ये जो तिरछी साइड है। तो ये यहाँ पे स्टिच होगी, इसको हम यहाँ पे ऐसे स्टिच करेंगे और फिर ये पट्टी इस तरह बैक में चली जाएगी इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से इस तरफ वाली पट्टी ये वाली है, इसको हम यहाँ पे ऐसे स्टिच करेंगे इसके अंदर, और फिर इस तरफ से ऐसे हम इसको फोल्ड कर देंगे। और यहाँ पे हम हुक और आई लगा लेंगे। ये सिलाई लगाने के बाद आपको लास्ट में ये स्ट्रिप है वो ये अटैच करनी है। स्ट्रिप का एक हिस्सा हम यहाँ पे अटैच करेंगे और स्ट्रिप का दूसरा हिस्सा हम यहाँ पे अटैच करेंगे। और ये स्ट्रिप जो ली है वो मैंने ली है 13 इंच लंबी, आप 13, 14 अपनी जो आपकी जो लेंथ हो उसके हिसाब से अटैच कर सकते हैं। तो एक को हम यहाँ पे स्टिच करेंगे और एक स्ट्रिप को हम यहाँ पे स्टिच करेंगे। और यहाँ से ये जो देख सकते हैं आप, यहाँ से हम ये जो स्ट्रिप होती है यहाँ से हम 3.5 इंच की दूरी पे यहाँ पे स्टिच कर देंगे। तो देखा दोस्तों, ब्रा बन करके बिल्कुल से रेडी है। आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, और आप भी इसी तरह से अपनी पुरानी ब्रा से नाप लेकर के ब्रा की कटिंग और सिलाई करें, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।